अनुभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, अगर इन तीनों नामों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये नाम कनेक्टेड है। अगर समीकरण देखा जाए इन तीनों सीटों का तो कैसे बनता है? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे जो नाम घोषित हुए हैं। भूपेंद्र जी, मैनपुरी में रघुराज सिंह शाक, खतौली में राजकुमारी सैनी और रामपुर में आकाश सक्सेना, बीजेपी की क्या रणनीति रही इन नामों को फाइनल करने? भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन करने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो जो नाम आए हैं को परीक्षण करके केंद्र चुनाव समिति ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज उसकी घोषणा की है। उन तीनों चयनित प्रत्याशियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे तीनों घोषित प्रत्याशी आने वाले विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव में विजय पताका फहराएंगे, बड़े बहुमत से जीतेंगे और विधानसभा में लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। महत्वपूर्ण यह कि मैनपुरी तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई। डिंपल यादव ने कल नामांकन कर दिया, आपके उम्मीदवार के आज नाम की घोषणा की गई, वहां पर बहुत कड़ा मुकाबला है, लेकिन फिर भी आप लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी और शाक के उम्मीदवार लड़ाने के पीछे क्या वोट बैंक है वहां का? ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति के हिसाब से जो भी चीजें हमारे ताने बाने में फिट बैठती हैं उसी के आधार पर पार्टियां निर्णय लेती हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी प्रेम सिंह शाक्य जी को चुनाव लड़ाया था और लगभग 4 लाख से अधिक वोट मिले हम लोगों को। हम लोगों की अपेक्षाएं हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलकर और बेहतर करने की हम लोगों की रणनीति है और अच्छे से हो और बेहतर हम लोग कर सकें उसके परिणाम के लिए हम लोग संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम, हम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से तीनों सीटें, दोनों विधानसभा की और लोकसभा की मैनपुरी भाजपा जीतेंगे। रघुराज सिंह शाक के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए, शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। शिवपाल यादव अभी तक साइलेंट हैं, वो कुछ कह नहीं रहे, डिंपल यादव के नामांकन में भी नहीं गए। यही एक वजह है क्या कि रघुराज सिंह शाक को आप लोगों ने अपना उम्मीदवार बना दिया? नहीं, वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, हमारे साथ हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके सहमति के आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय लिया है और आज रघुराज सिंह शाक्य जी का नाम घोषित हुआ है। तो वो विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और इटावा उधर क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का चुनाव लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि हम बेहतर राजनीतिक परिणाम देने के लिए पार्टी संकल्पित है। निश्चित रूप से रघुराज सिंह जी इस बार मैनपुरी में जो पुराना इतिहास है उसे बदलते हुए निश्चित रूप से भाजपा चुनाव जीतेगी। खतौली में राजकुमारी सैनी को क्यों उम्मीदवार बनाया? आरएलडी ने तो आपके सामने वहाँ पर गुजर उम्मीदवार दे दिया, मदन भैया, और अगर जाट, गुजर, मुसलमान एक साथ आएंगे तो बीजेपी के लिए तो अपनी सीट बचाना मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं है, अब ये चीज़ें विषय बहुत आगे बढ़ गई। अब जनता इन संकीर्ण जातिवादी जो मानसिकता है, जो इस प्रकार का लोग सामाजिक आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं या रणनीति बनाते हैं, जनता उसे कई बार अस्वीकार कर चुकी है। खतौली में पिछली बार विक्रम सिंह लगभग 17,000 वोटों से चुनाव जीते थे। विक्रम सिंह बहुत जमीनी आदमी है, घर घर उनका संपर्क है और उस संपर्क का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा निश्चित रूप से। उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है तो वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और हम उस रास्ते अपने आगे बढ़े हैं। आकाश सक्सेना को रामपुर में आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया, जबकि वहाँ पर तो आजम खां की वो सीट है, गढ़ उनका है, मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा हैं, क्या आकाश सक्सेना ने लड़ाई लड़ी आजम खां के खिलाफ, यही वजह उम्मीदवार बनाने की? नहीं, पिछली बार भी वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे और वो हमारी पार्टी के बहुत लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ता के नाते क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं, उन्होंने जो आपने आजम खान वाला विषय है उसमें भी संघर्ष किया है और पार्टी के विषयों को लेकर वो लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, जनता के विषयों को लेकर हमारे साथ लंबे समय से हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि उनके संघर्ष का, उसकी मेहनत का और सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारे कार्यकर्ता घर घर तक उन्हें पहुँचाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रामपुर में इस बार विजयी होगी। ये नामांकन फिर अब कब होगा? आपके तीनों उम्मीदवार कब नामांकन करेंगे? आप भी जाएंगे क्या नामांकन? हमारे पास मैनपुरी और
खतौली में 17 तक नामांकन होना, 18 में रामपुर, 18 तक रामपुर होना। तो हम निश्चित समय अवधि में हमारे सब लोग तैयारी है पूरी, और हमारे जैसे भी तय करेंगे पार्टी के प्रत्याशी या स्थानीय लोकल पार्टी, हम नामांकन करके पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगस्त में आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने, उसका पहला आपका परीक्षा थी वो गोला का उपचुनाव, उसे आपने जीता, ज़्यादा वोटों से जीता। अब एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप खुद जाट लीडर हैं, जाट समुदाय से आते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खतौली सीट पर चुनाव हो रहा है, जो आपकी खुद की सीट है। वहाँ जिस तरीके से RLD ने उम्मीदवार दिए, क्या बीजेपी को लग रहा है कि फाइट थोड़ी ज़्यादा अब टफ हो गई क्या? हमारी उपस्थिति, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, जनता के बीच में उपस्थिति है। लंबे समय से हम जनता के बीच में हैं, हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे रचनात्मक कार्यक्रम हों, चाहे सेवा के कार्यक्रम हों, चाहे हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़े विषय हों, या सरकार की उपलब्धियों वाले कार्यक्रम हों, सरकार से जुड़े विषय हों, बीजेपी का कार्यकर्ता लंबे समय से जनता के बीच में है, लगातार जनता के बीच में है। ये लोग बरसाती लोग हैं, मौसमी लोग हैं, जैसे फल हुआ करें ना जी, मौसमी सब्जी होगी, कोई फल होगी, केला होगा, तो ये समय के समय खिलते हैं और समय के समय खराब हो जाते हैं। तो ये जो आज लोग आ रहे हैं, ये मौसमी लोग हैं, और चुनाव के बाद कहीं दिखाई नहीं देंगे। हम चुनाव से पहले भी और चुनाव के बीच में भी, चुनाव के बाद भी, जनता के बीच में, जनता के दुख दर्द में हमारी उपस्थिति है, और जनता से हमारा कनेक्ट है, हमारा गठबंधन है। जनता का मोदी जी योगी जी से गठबंधन है, चाहे खतौली की सीट हो, चाहे रामपुर की सीट हो। भारतीय जनता पार्टी अपने असंख्य कार्यकर्ताओं की संघर्ष, तपस्या, संपर्क, संवाद और जनता के बीच में उपस्थिति उनकी, और हमारे सरकारों का रिपोर्ट कार्ड हम लेकर जाएंगे, और 100% सीटें बीजेपी जीतेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपने कहा कि 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, आप लोग यही कह रहे हैं बार बार। उसके पहले ये तीनों चुनाव एक तरीके से क्या एक आईना होगा, एक सेमीफाइनल होगा? नहीं, लोकतंत्र में हमेशा बेहतर करने की चुनौती सभी राजनीतिक दलों की है, तो हम निश्चित रूप से उस बेहतर परिणाम की तरफ बढ़ेंगे और बेहतर करेंगे। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति, पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश का लोगों को विश्वास है। बिल्कुल, और लोगों की कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी का दावा कर रहे हैं, बेहतर करेंगे, बेहतरी करने के लक्ष्य के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जो बात प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं भूपेन्द्र चौधरी जी, साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि ना खतौली बल्कि रामपुर और इस बार मैनपुरी में भी बीजेपी किस तरीके से, किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी। और वो रणनीति और नजर आ रही है, और जो कैंडिडेट उतारे हैं, एक मजबूत कैंडिडेट देने की कोशिश है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।